इंद्रदेव पांडे। और आज मैं आपको जो खबर पेश करने जा रहा हूँ, जहाँ सुनते ही प्रशासन पर भी सवाल उठ जाता है। मेरी भाभी हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थी और हबीब से कोविड पॉजिटिव हो गए वो हबीब हॉस्पिटल में। ये अभी हबीब हॉस्पिटल से फौजिया हॉस्पिटल लाने का सामने ये 200 मीटर की दूरी है, 8000 रुपया चार्ज किए। ये मामला कहीं और का नहीं, मामला कुरला से जुड़ा हुआ एक प्राइवेट हॉस्पिटल का है, जहां जस्ट डायल के माध्यम से एक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक पेशेंट के परिवार से 8000 रुपए अवैध तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। ये पिंटू भाई है, मेरी भाभी हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थी और हबीब से कोविड पॉजिटिव हो गए वो हबीब हॉस्पिटल में। तो वहाँ से एक मिनट चुपट, वहाँ से उनको फौजिया हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। ये देख सकते हैं आप, सामने हबीब हॉस्पिटल है, 200-300 मीटर की दूरी है। वहाँ से मेरी भाभी को फौजिया हॉस्पिटल लाना था, कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। तो ये भाई को हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किए जस्ट डायल से नंबर लेके, ये अपनी एम्बुलेंस लेके आए। ये अभी हबीब हॉस्पिटल से फौजिया हॉस्पिटल लाने का कुरला में, सामने ये 200 मीटर की दूरी है, 8000 रुपया चार्ज किए। तो वही हम लोग इनको कह रहे हैं, हमको पक्का बिल दो, हम 8000 रुपया देंगे। कितना चार्ज कर रहे हैं भाई ये तुमको? ये 8000 रुपया चार्ज कर रहे हैं भाई, ऐसा टाइम पे ये नाजायज फायदा। ये लड़का काम करता है, इनके सेठ का नाम क्या है? आप ड्राइवर हो या सेठ का नाम क्या है? सेठ का नाम क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल, इनके सेठ का नाम है। और ये इनकी एम्बुलेंस है भाई, जरा मोबाइल लेके इनकी एम्बुलेंस का वीडियो लेना। देखा जा रहा है कि जनता से किस तरीके से कोविड-19 के नाम पर किस तरीके से दुगना पैसा वसूला जा रहा है। भाई ये जो 8000 रुपए है, जो 200 मीटर 300 मीटर का चार्ज लिया जा रहा है, आप खाली ये बताइए, आप काम करते हो, ये आपके हिसाब से जायज है नाजायज है भाई? सही है कि गलत है भाई? तो आप अपने सेठ को फोन करके बुलाइए, उनको बोलिए हमको 8000 रुपए का बिल दे रहे, हम उनको पैसा दे देंगे। हाँ भाई, यही एम्बुलेंस है भाई? यही एम्बुलेंस है। हाँ, इनके सेठ का नाम इसराइल है। अच्छा, तो ये साथी नाका जलीवरी में रहते हैं। हम लोग कुर्ला में रहते हैं, टैक्सी मैक्स कॉलोनी के पास। तो ये फौजिया हॉस्पिटल लाए थे हबीब हॉस्पिटल से, और ये नाजायज 8000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। और हबीब में आपके साथ क्या हुआ भाई? हबीब हॉस्पिटल में जो है 10000 रुपया पर डे का बोल के मेरी भाभी को रखा गया, और आज 2 दिन बाद उनको डिस्चार्ज किए। 52000 रुपया बिल बना के अभी डिस्चार्ज करा के मेरी भाभी को फौजिया हॉस्पिटल में मैंने लेके आके एडमिट कराया। और दवाइयाँ वगैरह भी बताए? दवाई कम से कम मेरी भाभी को 2 बॉटल खून की और 30-35000 रुपए की मेडिसिन अभी तक के अढ़ाई दो दिन के अंदर, तो अढ़ाई दिन के अंदर अभी तक के 35000 रुपए की मेडिसिन लगा दी। अब सवाल शासन और प्रशासन पे, आप देखना ये है किस तरीके से इस एम्बुलेंस सप्लायर या जस्ट डायल सर्विस पर